वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन आरसी एजुकेशन हब पांचूर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी स्टडी अबाउट नेक्स्ट पीरियडिक ट्रेंड्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दैट इज नोटेड बाय EN, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। What is the definition of electronegativity? It is very important trait, very important property of elements for organic chemistry, and also in this part you can see what is the importance of electronegativity. It is a electrostatic force in between atoms which show the power of atoms to attract the valence shell electrons, to attract the covalent bond electrons to its side. That means in a B type molecule compound there will be two electrons, that is covalent nature compound, but A and B are different than compared to AA type molecule. There will be equal possibility to both electrons in this side, but there will be possibility compared to in one side, which depend on the power of A and B to withdraw the both electrons. That power is called electron negativity. So electron negativity is a factor which decide the power of attraction of covalent bond electrons in one side by a atom. So there will be, if it goes this direction, its electronegativity will be more, it will be loose. This concept is very important in also periodic table. You will be see, first of all we see in period, our sarani mein agar period mein baat kare to example ke liye lithium, beryllium, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ओके, लिथियम, हाइड्रोजन, इट हैव 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है ये, सो इट इज परमानेंट, ये फिक्स होती है हर एटम के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? फिक्स होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, यानी एक क्वांटिटी वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए इसका वैल्यू कितना है? हाइड्रोजन के लिए इसका वैल्यू है 2.1। बात करें लिथियम के अंदर सेकेंड पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन है, सेकेंड पीरियड में अगर बात करें पीरियड के अंदर तो ये है 1.0, ओके, कितना है 1.0। पूरी आवर सारणी में, कंप्लीट पीरियडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एलिमेंट जो है वो कौन है? फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जो है वो कौन है? फ्लोरीन। इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है स्टूडेंट्स? 4 होती है। कितनी होती है? 4। रिमेंबर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एलिमेंट्स की अगर बात करें टोटल कंप्लीट पीरियडिक टेबल में, आज तक मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, तो सबसे अधिक किसकी है? फ्लोरीन एटम की होती है। कितना होता है? 4.0। इस वाले ऑक्सीजन एटम की इससे कम होती है, 3.5 है, ये आपको 3 मिलेगा, ये वाले 2.5, दैट इज 2, इट इज 1.5। यू कैन सी 0.5 इज इंक्रीज 1 बाई 1 एलिमेंट्स।
0.5 डिग्रीज 1 बाई 1 एलिमेंट इट कम्स डेट इज याद करने का भी एक है, आपको रिमेम्बर करने का भी एक ट्रिक है, 0.5 बढ़ाते जाइए, इंक्रीज करते जाइए, आपको ये मिलता जाएगा पीरियड के अंदर। इसका मतलब है पीरियड में लेफ्ट टू राइट को जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी स्टूडेंट्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं अपन किसमें, ग्रुप में, किसमें बात कर रहे हैं, ग्रुप। अब देखिए ग्रुप में क्या ट्रेंड रहेगा, ग्रुप जो होता है इसमें अपना एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम। ओके, ये एलिमेंट्स अपने पास में विद्यमान है। इस वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला लिथियम है, इसको मैं पीरियड में ले रहा हूँ, लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रूबीडियम है, और फिर क्या अपने पास में सीजियम है। ओके, इस वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, इस वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखिए, इस आधार पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 1। ओके, ये वाली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नोट कर रहे हैं। सोडियम वाली की इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर अपन देखें तो इनकी तुलना में क्या मिलेगी आपको, ये 0.1 कम कर दीजिए, 0.1 कम करने का मतलब इसकी 0.9 है, इसकी 0.8 है, इसकी 0.7 है, इस वाले की 0. कितनी है, 6। तो आप देख रहे हैं 0.1 डिक्रीज होता चला जा रहा है। ये आपके लिए भी वेरी इजी ट्रिक है, 0.5 बढ़ाते चाहिए, इंक्रीज कीजिए, आपको ये मिल जाएगा, याद भी हो जाएगा। एक याद कर लीजिए लिथियम का कितना है, ये लिथियम का हो गया 1, और एक मैक्सिमम किसका होता है, फ्लोरीन का मैक्सिमम होता है, बाकी इसके बीच में याद करने की आपको रिक्वायरमेंट है, वो मैंने ट्रिक आपको बता दी है। ओके, नेक्स्ट यू कैन सी 0.1 को डिक्रीज करते चले जाइए, आप देख रहे हैं यहाँ से ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, घटती जा रही है ऊपर से नीचे जाने पर, जबकि पीरियड में क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ ट्रेड यहाँ पर चला जा रहा है। ओके, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर अपने पर देखना है, पीरियड में क्या होता है और उसके अंदर क्या होता है। अब इसका इंपोर्टेंस क्या है, इस वाले का इंपोर्टेंस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ काम आती है, यह है आयोनिक क्रिस्टल के फॉर्मेशन में इसको देखा जाता है, कौन सा आयोनिक क्रिस्टल फास्टली ब्रेक होगा, कौन सा जल्दी टूटेगा, कौन से वाले की स्टेबिलिटी कम होती है, कौन से वाले की ज़्यादा होती है, इसको शो करने के लिए, स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए किसकी बात करते हैं, स्टेबिलिटी क्रिस्टल्स की, वो इसके अंदर ट्रेड होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर आता है। और अगर बात करें आयनिक क्रिस्टल्स में, जैसे मेरे पास में HF है, HCl है, HBr है, और क्या है मेरे पास में HI, कौन विच विल बी मैक्सिमम आयनिक नेचर, मैक्सिमम आयनिक नेचर का कौन होगा, किसमें आयनिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा पाई जाएंगी, वो डिसाइड कौन करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दैट मींस डेल EM, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज्यादा डिफरेंस मिलेगा उतना ही क्या होगा, आयनिक नेचर इंक्रीज, क्या हो जाएगा, आयनिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा, आयनिक नेचर इंक्रीज, दैट मींस आयनिक नेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, किसके आधार पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ने से। अब देखिए यहाँ पर इस वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.1, इस वाले कितनी है स्टूडेंट्स, 4, कितना डिफरेंस हो गया, 1.9 का डिफरेंस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.9 का है। और अपन देखें HF से HCl HBr की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है ये क्या होता जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है, और इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने का मतलब है आयनिक जो नेचर होती है वो भी क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी, कौन सी नेचर इंक्रीज हो जाएगी, कोवलेंट नेचर, यानी सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, दैट मीन्स HF में मैक्सिमम आयनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है और इसमें मैक्सिमम कोवलेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ओके, तो रिमेमिंग पार्ट क्या है, आप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एलिमेंट मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हैं उनकी आपको रिमेंबर होनी चाहिए, ये स्टूडेंट्स ये वेरी नेसेसरी हैं, ये आपको मस्ट बी रिक्वायरमेंट हैं, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ऑलवेज 24 आवर्स आपको माइंड में क्लियर होना जरूरी है, तभी आप इस वाले पार्ट को, इसके एप्लीकेशन पार्ट को आप कर पाएंगे। ओके, दैट विल बी इम्पोर्टेंट, यू कैन ऑलरेडी इजीली यू कैन लर्न इट, यू कैन ऑलरेडी मेमोराइज इट, आई थिंक इट विल बी क्लियर फॉर यू। ओके, नेक्स्ट वी सी अदर केमिकल प्रॉपर्टीज विच कम्स इन ए पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स। थैंक यू सो मच।